लोग मुझे सियासतदान बना देंगे नारे लगा लगा के। अच्छा, जो आज के हमारे गेस्ट वो मेरे भी हीरो हैं। मेरे वालिद साहब भी वसीयत करके गए, बेटा इन्हीं को हीरो मानना। मेरी दादी का भी क्रश रह चुका। दिखने में ये हीरो हैं, बाकी हैं सारे फेक। करते हैं इतनी फिल्में जैसे हो पीस ऑफ केक, जब सो जाते हैं सारे ही स्टेज अवेक। दिखने में थोड़े सादा मगर है दिल फेक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्क योर हैंड्स टुगेदर फॉर नहीं, वो हैंड सैनिटाइजर नहीं है। ओके चलो करीब आ जाए सर, मैं स्पार्क नहीं मारता। अच्छा सर, है ये बात पहले मैं क्लियर करता चलूं, कॉन्टेक्स्ट सेट कर लूं कि मैं कोई शोबिस से मेरा ताल्लुक तो है नहीं। मुझे पता नहीं है सर कि शोबिस के लोगों को किस तरह मुखातिब करना है। मैं आपको सर कहूं, जावेद साहब कहूं, कुछ भी अंकल कहूं, कोई नहीं अंकल मत कहना, बाकी सब कहना। मैं तो कहना चाह रहा था काश आप मेरे अब्बू होते। भाई देखो, अब्बू तो मैं बहुत से लोगों का हूँ। हाँ। हिंदुस्तान में जितने एक्टर हैं सबका बाप हूँ। अच्छा सर, आपको अपना ओरिजिनल नाम याद है? ओरिजिनल नाम? ओरिजिनल नाम ओरिजिनल ही है जावेद शेख। आपको ओरिजिनल नाम? शेख जावेद इकबाल। शेख जावेद इकबाल। तो सर ये जो शेख पहले आपके पीछे लगे हुए थे, उनको आपने आगे कैसे लगवाया? आगे कैसे लगवाया? आगे होने से तो आदमी आगे बढ़ता है। नोट कर लो बात, सारे शेख आगे लगा लो। यस सबसे ज्यादा यंग लगते हैं इंडस्ट्री। क्या ऐसा है सर? करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई। ऊपर कोई ब्यूटिशियन रहती है, सर्जन रहती है, अल्लाह ताला। तो ऐसा क्या आप अल्लाह से कहते हैं कि सिर्फ आप ही जवान रहते हैं, बाकी सब बुजुर्ग हो जाते हैं? नहीं, बात यह है जवान रहने के लिए बहुत सी चीजें आपको जिंदगी में करनी पड़ती है। आप उन एक्टर्स में से हैं जिनको बॉलीवुड ने शायद खींच कर बुलाया होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने कुछ स्टोरीज सुनी रखी है, मेरे कजन इमरान हाशमी को भी आपने वहाँ जो है सीधा किया। नहीं कजन नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मेरे कजन नहीं है, मैं तो शरीफ साहब हूँ। तो नहीं शरीफ से हैं तो वो क्या बदमाश है? नहीं, उनको मतलब ये मेरा मतलब है उनके कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं हमें वो सीन मिल ही नहीं रहे। मिल ही नहीं रहे, ये भी तो किस्मत की बात है ना कि वो सीन किसको मिलते हैं। आपने किस्मत एक लफ्ज है या दो लफ्ज है? दो लफ्ज। सर उनके लिए तो ये किसका वो है सारा काम, मतलब मेरे लिए किस्मत का है, क्योंकि जब भी मैं कहता हूँ किस तो लोग कहते हैं मत। सर हिट कैसे हुए, कब हुए, कब एक्चुअल हिट कब? फिल्में आपने की, लेकिन मुझे लगता है कि असली जो फेम मिला वो अनकही से। आपको लगता है सर? नहीं, ये बड़ी बड़ी स्टोरी है मेरी लाइफ में। देना सर, ये तो सुनने बैठे हैं। कराची जब शिफ्ट, वो एक अलग कहानी है वो कि वो कराची कैसे आया, वो आए या लाए गए? लाया गया ऑब्वियसली बोरी में। वालिद साहब ने जबरदस्ती, क्योंकि मेरी एसोसिएशन वहाँ ठीक नहीं थी लड़कों के साथ। गंदे लड़के, बिल्कुल ही गंदा मैला, बहुत ही सोबत बहुत बुरी थी, या शफकत चीमा से भी बुरा। यस ठीक। और वहाँ से मैंने किसी को कहा कि मुझे टीवी पे, नया टीवी आया था उस वक्त, तो मैंने कहा मुझे टीवी पे काम करना है। तो किसी साहब ने, अमीर इमाम साहब एक प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े PTV कराची के, इमाम अमीर नहीं होते यहाँ पे। हाँ, तो वो उनको फोन किया कि ये लड़का यार काम करना चाहता है तो इसको बुला लो। मैं चला गया टीवी स्टेशन। अब पहली दफा टीवी स्टेशन, सारे नामवर फनकार वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई आज टेलीविजन पे मैं आ जाऊंगा, ये हो जाएगा। अमीर इमाम साहब इसी तरह बैठे हुए थे, एक सेट लगा हुआ था, तो एक सीरीज बन रही थी, उसका नाम था इंसान और आदमी। तो वो इंसान और आदमी में तलत हुसैन साहब हीरो थे। वो हीरो थे ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं हीरो हो सकता, वही होंगे। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखो सीन ये है कि ये इधर अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, तुम इधर से आओगे, ये तुमको पुकारेंगे रमजू, और तुमने एक पटका और पजामा और कुर्ता पहना हुआ है और तुम आओगे। बोला जी साहब। तो वो बोलेंगे एक बहुत अच्छी चाय बना कर लाओ। तो तुमने कहा जी मैं अभी लेकर आ। बस इतना सा रोल था मेरा। माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टीवी वाज दिस। एक 30 सेकंड का रोल था आपका? है 30 सेकंड का रोल। यस। और कितने पैसे मिले इसके? पैसे दिए। सर ये जो आपका पैसे दे के काम करने वाला सीन है ना, ये बड़ा अच्छा है सर। जैसे आज भी जो चेक मुझे मिला है। हाँ यस। तो ये जो जैसे अनकही था, उसमें ऐसा क्या डिफरेंट था जो उसमें नहीं था शम्मा में? वो क्यों हिट हुआ, वो क्यों नहीं हिट हुआ? नहीं, क्या बात कर रहे हैं, शमा तो ऐसा हिट था कि उसकी जब लास्ट एपिसोड कराची में चली थी तो वो कराची पूरा बंद था, एमक्यूएम की हड़ताल हो गई। नहीं, वो एमक्यूएम थी नहीं। अच्छा, ठीक। हाँ, हमेशा किसी ना किसी ड्रामे पे ही शहर बंद हुआ है, ये किसी ने कोई ड्रामा किया है तो शहर बंद हुआ। तो आपने कम से कम 400-500 अदाकाराओं के साथ तो काम किया होगा सर? नहीं, 500-700। तो इनमें से कौन फेवरेट रही आज तक? नहीं, फेवरेट नहीं, देखो सारे कह ही नहीं सकेंगे आप। शबनम ने बहुत अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट किया, शुरू की फिल्में उनके साथ थी, बाबरा शरीफ के साथ बहुत अच्छा रहा। फिर नीली के साथ ऑब्वियसली लोगों ने बहुत सी फिल्में की और बहुत पसंद किया। आपने भी पसंद किया? हाँ, आपने भी उन्हें पसंद किया। ऑब्वियसली वो चीज ही ऐसी थी पसंद। अभी भी खैर माशाल्लाह से कहना सवाल फजूल सा है, लेकिन पूछना पड़ेगा कि आप अपनी जवान पर्सनैलिटी यानी अपनी यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देंगे? अपने आपको आप क्या कहेंगे, यार उस वक्त कुछ गलतियां ऐसी हुई हों? नहीं, कुछ नहीं, वैसा ही हो जैसा था भाई मैं फोकस था और कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। कह भी रहा बर्तन धो लो, मैं एक्टर ही बनूं। नहीं, बर्तन धो के भी साथ में एक्टिंग करता था। मतलब ये है, प्लेट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं तुम्हें अपने प्यार से साफ करूंगा। बिल्कुल सही। जो मेरा मतलब है कि जिसमें जुनून होता है वो ये काम करता है जो आप कर रहे हैं। प्लेट से प्यार, आप प्लेट से प्यार, चम्मच से, कप से, और फिर यही चीजें फिर आपके बाद में काम आती। हाँ, मतलब खाना वाना खाने के लिए, चाय पीने ना 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 लाइफ में। यस। अच्छा सर, थोड़ी शरारत हो जाए, एक अवार्ड फंक्शन हुआ अभी रिसेंटली, हम लोग तो वही लड़के लोग हैं ना सोशल मीडिया पे देखते हैं मीडिया वालों को, ओहो ये हो रहा है। माहिरा खान थी, कुछ आपने एहतरामन उन्हें बोसा देना चाहा, वो पीछे हट गई, कंट्रोवर्सी बनी। आपको पता चला ये हुआ है? वो ऐसा था, देखे इट वाज नॉर्मल, यू नो, बोसा देना नॉर्मल है। माहिरा मुझसे मिलती है तो वो ऑब्वियसली ऐसा होता है, तो वो इट वाज नॉर्मल था, नोबडी, मेरे लिए नॉर्मल था। आप 1-2 दफा और करें ऐसे, हाँ बस, वेरी गुड, इसी पर रन। तो वो नॉर्मल था, वो लोगों ने उसको बना लिया कि जावेद शेख ने उसको। मैंने कहा भाई अगर मैंने बोसा देना था तो मैं क्या स्टेज पे बोसा देता, और बाहर नहीं दे सकता, मेरा बोसा है, मैं कहीं दे दूंगा। अब सर बाकी का शो इन्हीं लाइंस पे चलेगा, बोसे मिलते रहेंगे। अच्छा, वो जो एक्ट्रेस नीली थी, वो नीली क्यों थी? नीली इसलिए थी कि उसकी आंखें नीली थी, तो आंखों से डिसाइड हो रहे थे नाम। किसी की काली आंखें होती, लेंस लगाती है, किसी की अगर आंखें काली होती तो काली हो तो उसका नाम होगा काली, इसीलिए तो कहते हैं ये काली पीली नीली है। कहाँ है सर आजकल वो, कुछ खबर है कहाँ है? अरे मेरा ख्याल है लाहौर में हो, लेकिन माशाल्लाह सही है वो भी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैजुअली आपने डील किया इस सवाल को। अच्छा, खवातीन एक्ट्रेस को तो आप नहीं बता पाए कि आपकी फेवरेट कौन है, बल्कि सभी को आप फेवरेट कहते हैं, मगर मर्दों में तो आपका कोई फेवरेट नहीं? मर्दों में भी बहुत, इसी तरह मैं नाम लूंगा, बहुत से एक्टर जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं। आजकल का एक नाम बताएं आपको, अगर आप आजकल किसी का काम पसंद आ रहा हो। हमायूं सईद। वो आजकल कहाँ हुआ, वो तो आजकल, हर वक्त का नाम। अरे आजकल ही है ना, उसका ड्रामा जितना हिट हुआ है। हाँ। तो वो तो उसने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी ना। आज की जो ड्रामा हिट हुआ है, इसको जो पॉपुलैरिटी मिली है, अनकही के लेवल की तकरीबन मिली है आजकल के जमाने से अगर कंपेयर किया जाए। क्या अनकही जितना सब्सटेंस था इस ड्रामे में, मतलब जिस तरह उनका बना है ये? हाँ। सईद का क्या वही कैलिबर का ड्रामा था ये जो अनकही था? नहीं था ना, नहीं था ना, वो नहीं था। बट बात ये है, सिंपल सी बात है, जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो हमारा फर्ज है कि उसकी इज्जत करना। आप कहते हैं जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए, यानी डोनाल्ड ट्रम्प की इज्जत करते हैं आप? कौन मैं? नहीं, उसको कहाँ इज्जत दी है, प्रेसिडेंट बनाया जरूर अल्लाह मियां ने, प्रेसिडेंट तो बनाया है। ऐसे तो बहुत सी जगह पे बहुत सी बन जाते हैं मगर उनकी इज्जत बाज दफा नहीं होती, जैसे अल्ताफ भाई, फसा दिया। नहीं, मैं क्योंकि उन पे तो मैं आई विल नॉट से, मैं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाल ही की बात, और मैं मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, अब जो आप हैं, जाहिर बात आप सीनियर एक्टर हो चुके हैं, लेजेंड हैं पाकिस्तान में, अब आपको सब मिल चुका है, आपको मतलब आपको शोहरत मिल चुकी, आप निकलेंगे तो दुनिया भर में लोग जानते हैं, बॉलीवुड चलेगा, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान तक आपकी फिल्में जा रही, तो अब क्या एक्साइट करता है आपको? हॉलीवुड जाना है आपको? यस। फेवरेट एक्टर सर? जॉनी सिंस, अल पचिनो। एल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, ब्रांडो। सर जॉनी सिंह के साथ भी काम करें, नया एक्टर है, नया बच्चा है। कौन? जॉनी सिंह। ये जो है ना एक्टर जो मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हर देखो हर इंसान की अपनी अपनी पसंद है। हाँ। तो जितना मैंने उनका काम देखा है तो वो मुझे अच्छा लगा है, तो आई वांट टू वर्क विद देम। जॉनी सिंह का काम नहीं देखा सर, इस बंदे ने कम से कम 400, ये मोइन अख्तर से बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड में। यस आई नो। 800 कैरेक्टर कर चुका, मैकेनिक है, पिज्जा डिलीवरी बॉय, प्लम्बर, वकील, सब है ये बंदा। बिल्कुल। एक बार हम जब नौकरी करते थे पाकिस्तान में सर, तो हमें हमारे जो बॉस थे, सुबह सुबह उन्होंने पूरी टीम को जॉनी सिंह की तस्वीर भेजी जिसमें लिखा था ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द वर्ल्ड। ये है वो। और सर उनको नहीं पता था ये जॉनी सिंह कितने सिंह कर चुका है, और वो वाकई समझ रहे थे कि हम मोटिवेट होंगे। तो उन्होंने भेज दी और कहने लगे ये देखो ये ऐसे बनना है मुझे। तो हम सब उनके कमरे में पहुंच गए, सर बनना तो चंबी ही चाहते हैं मगर हमें बजट दें, रिसोर्सेज दें। उन्होंने कहा क्यों भाई ऐसा क्या चाहिए। फिर हमने सर उनको थोड़ा से उसका काम दिखाया, तो उन्होंने हमें कमरे से बाहर भेज दिया। तो मुझे काम देखने दो सर। तो जो नौजवान एक्टर्स हैं, जवान एक्टर्स हैं, इनसे कभी जलन हुई है? मतलब आप चाहते हो कि यार मैं लीड एक्टर करूं, इससे अच्छा कर लेता। उनको मुझसे जेलसी होती सर। इंडस्ट्री में या रियल लाइफ में जिगरी कौन है आपका? दोस्त, खातून हो मर्द हो, हमें उससे परवाह नहीं, हम जज नहीं करते भाई। नहीं, बहरोज मेरा दोस्त भी है, मेरा रिश्तेदार भी है। इस्माइल तारा साहब है, जिगरी है। हाँ जिगरी दोस्त, यानी कि हमने स्ट्रगल एक साथ की। उमर शरीफ, इस्माइल तारा, बहरोज सब्जवारी, मोइन अख्तर, ये हम सब एक साथ एक लाट में आए थे। हाँ यस। और वो एक साथ हम थिएटर करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ताला ने इज्जत दी। अच्छा, यानी कि इस्माइल तारा, बहरोज सब्जवारी, उमर शरीफ, ये सब आपके बचपन के यार, इनको सारे राज पता है। आपके बारे में कुछ पता करना हो तो इनसे पता किया जाए। बिल्कुल, बहरोज से पता करो, बता देंगे वो, मगर उसका नंबर नहीं दूंगा। अच्छा सर, बहुत अनयूजुअल कहानियां आपके बारे में सुनी। ये भी सुना कि एक बार आपको प्रेसिडेंसी से फोन आया कि यार फिल्म बनानी है, जावेद शेख को बुलाओ। आसिफ अली जरदारी साहब मेरे बड़े अच्छे मरासिम है उनसे। अच्छा। हाँ यस। अच्छा, अच्छे वाले मरासिम है। हाँ बता दिया सर, आजकल का वो दौर ही नहीं है कि आप उनके भरम दे सकें। नहीं वो है, बात ये है। हाँ। जब मैं धमाका की थी तो उस वक्त आसिफ साहब भी सिनेमा था इनका, ऑब्वियसली बेम्बिनो सिनेमा उनका। टिकट विकेट निकाल, मगर शायद जो मुझसे पहले हुआ था, जब वो फिल्म बन रही थी सालगिरह शायद, तो उनको भी शौक था शायद काम करने का। और सालगिरह में शायद उन्होंने एक किसी के बचपन का रोल भी किया था, किसी डाकू के। हैं? किसके बचपन का रोल किया था? वहीद मुराद के या किसी के। जब मैं फिल्म कर रहा था धमाका, तो धमाका के जो प्रोड्यूसर थे वो नॉर्थ नाजमाबाद में लॉर्ड्स कैफे था, वहाँ पे उसके ऊपर उनका फ्लैट था। ठीक है। और वहाँ पे नीचे सारे लड़के बैठते थे, उनमें आसिफ अली जरदारी साहब भी होते थे। अच्छा। मैं एक होटल में जा रहा था तो मैंने देखा कि अपने चंद दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, और मैं उधर से गुजरा, मैंने उनको सलाम किया, अरे आओ आओ। और वो मुझे मेरे नाम से नहीं कहते, मुझे हीरो कहते, हीरो इधर आओ। उन्होंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि यार ये देखो देखो यार कमाल बात है, देखो हीरो है हमारा लड़का, दोस्त हमारा है, हीरो है। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं, वो कमाल का है। मुस्तफा कमाल का नहीं, वाकई कमाल है, वाकई कमाल है। और निकलेगा मुस्तफा कमाल। 95-96 की बात है, इनकी हुकूमत थी बेनजीर की। अजीज मेमन साहब यहाँ पर एक लेबर यूनियन के चेयरमैन थे। उनसे मैंने कहा कि यार मेरा मैसेज जरा जरदारी साहब को पहुंचाया, और मैं कोई काम मुझे है। तो वो जाके कान में अजीज मेमन ने कहा कि वो जावेद आया हुआ है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, हाँ हीरो बताओ क्या बात। मैंने कहा सर एक ज़रूरी काम है। हाँ बोलो। मैंने कहा सर ये बीच सारे इतने लोग खड़े हैं, मैं कैसे बोलूँ। तो फिर तुम मेरे पास गंदा काम था आपको। है गंदा काम था, नहीं राज का काम। हाँ राज का काम। तो कहने लगे कि अच्छा तो फिर मेरे पास तो अभी टाइम नहीं। मैंने कहा फिर ठीक है, दोबारा आ जाऊंगा जब आपके पास टाइम होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ आओ। तो हम पार्लियामेंट हाउस का जो बेसमेंट है उसमें कार पार्किंग है, तो इनकी कार वहाँ खड़ी थी, मर्सिडीज 600 SLC, तो पकड़ी गई, सील हो गई, अभी रिसेंटली सील। अच्छा, आप थे उसमें? नहीं, अभी आज ही पलटा। अच्छा, ओके। बहरहाल वो नीचे आए तो ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो उसने कहा नहीं तुम पिछली गाड़ी में आओ, ये खुद मैं ड्राइव करूंगा और जावेद तुम आगे बैठो। ये बातें करते करते प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए। उन्होंने कहा कि क्या एक्चुअली क्या था। अब फाइनली जब उतरने लगे तो मैंने कहा यार वो बात यह है कि एक फिल्म मैंने बनाई है, उसका नाम है मुश्किल, जिसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसका प्रीमियर शो हो जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और आप दोनों उसका इफ्तिताह करें। उन्होंने कहा और दूसरा काम क्या है? मैंने कहा दूसरा बस यही तो काम था। उन्होंने ऐसे सर पकड़ा, अंदर चले गए। उन्होंने अपने एडीसी को बोला कि यार इसको बिठाओ और एक एप्लीकेशन लिखो तो हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं वहाँ बैठा एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो एक बंदा आया मेरे पास, अरे शेख साहब आज तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, क्या बात है? मैंने कहा एप्लीकेशन कहने का शुगर का लाइसेंस लेना, शुगर फैक्ट्री का लाइसेंस। तो वो उस वक्त बड़ी बात होती होगी, मिलता भी होगा ऑब्वियसली। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो वो फिल्म है उसके लिए मैंने इनको बुलाया। बोला यार कमाल हो यार, तुम यहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं कि कोई काम करवा ले और तुम कह रहे हो कि यार इनको चीफ गेस्ट बनाना, यार तुम भी बुद्धू। मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरा कहने का 10% दे दो। अगर मैं कुछ भी कहता उस वक्त वो काम मेरा हो जाता। आज के दौरे मसला होता है ना, सारे पुराने काते पकड़े जा रहे हैं। नहीं पकड़े जाते ना, अरे भाई नहीं पकड़े जाते। आपका वाला नहीं पकड़ा? मैं तो साउथ ऑफ फ्रांस शिफ्ट हो जाता अगर मैं करता तो। ये देखो जावेद साहब के पास पूरा रोड मैप मौजूद है, जाना क्या है, करप्शन करूंगा तो जाऊंगा कहाँ, साउथ ऑफ फ्रांस, इतना स्पेसिफिक। अच्छा सर, इंडस्ट्री में सब कुछ ना कुछ करवाते हैं, बोटॉक्स करा लिया, कुछ ये करा लिया, कान बड़े करा लिए, नाक छोटी करा ली। आपने कुछ कोशिश की कभी कि यार मैं भी थोड़ा सा सेट कराऊं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टैटू वैटू कुछ लिखवा लिया हो कि उधार मना है? कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। कश्मीर अगर बनवाएंगे तो क्या लिखवाएंगे? आमिर बंगाली ऐसा कुछ, जादू टोना, काला जादू, या पाकिस्तान में अल्लाह लिखवाऊंगा। वेरी गुड, बहुत होम्योपैथिक इंटरव्यू दे रहे हैं सर आप, इतना बार बार आप घुमा फिरा कर ऊपर वाले को ले आते हैं बीच में ताकि मैं कुछ ना करूं। बहुत आला भाई, ये होता है एक्सपीरियंस। वैसे तुम देख रहे हो यहाँ सब आके फंस जाते हैं, ये नहीं फंसे। ये इतनी अदाकाराओं के साथ आपने काम किया है ना सर, ये उससे प्रैक्टिस हुई होगी आपको। सर आपके बहुत स्कैंडल्स बने, कोई ऐसा जो हमसे मिस हो गया हो? जो मिस हो गया ना, हाँ, वो अभी होने वाला है। क्यों बने कवि साहब के इतने स्कैंडल? क्यों नहीं बने जितने आपके बने? ऊपर वाला। अच्छा, इसमें शुक्र अदा करते हैं आप ऊपर वाले का कि स्कैंडल बने, ये भी एक नहीं ऐसी बात नहीं। देखो स्कैंडल भी तो हर एक के तो नहीं बन सकते ना, ये तो है, ये बात तो ये है। और स्कैंडल में सैंडल इंपॉर्टेंट नहीं, स्कैंडल में आपका नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो जावेद शेख ने, ये बुरी बात है जावेद शेख इतना बुरा आदमी है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ही मरवा दिया आप, वो खुद ही मर गए। आसिफ मैं हीरो यार, वो स्कैंडल बन रहा है देख ले। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना बहुत करीबी समझा हो मगर उसने आपको इस्तेमाल कर लिया हो और फिर शार्ट? बहुत से लोग, कोई एक आध, बहुत नाम नहीं लेंगे, माफ कर चुके, माफ कर ऊपर वाले के लिए। यस, वतो इज़्ज़ मंतशा वतो ज़िल्ल मंतशा। मुझे लगता है मैं शो के बाद एक सूफी बन जाऊं। अच्छा, जो आपके घर पे एक सपोर्ट स्टाफ होता है, काम करने वाले ड्राइवर, वो चौड़े में रहते होंगे, जावेद साहब का ड्राइवर हूँ यार मैं, इस तरह होता है? वो है ना रियाज, मेरे साथ जो लड़का, हर किसी को भरम, वो आपके नाम पे क्या बात होती है। जैसे आपने बल्कि बार दफा ये ऑब्वियसली किसी से बात कर रहा होता ना, यार कब से घूम रहे फलाना ढिमकाना, देखो मैंने कहा आहिस्ता। अब उसके जहन में ये है कि जावेद शेख का बंदा हूं ना, हाँ। ये मैंने कहा ना, तुमने मुझे कभी देखा है मैंने ऐसे किया? सीधा बस आसिफ जरदारी का नाम लेता हूँ मैं। नेपोटिज्म, जैसे आपने मुझे बताया कि आप तो हक का काम देते हैं अपने घर में, अगर वो सूट नहीं कर रहा तो नहीं देते, जैसे शहजाद को आपने नहीं दिया फिल्म में काम, वैसे इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है वो सब यही करते हैं कि हक का काम है तो दे दिया, घर वालों को मना नहीं दिया, आई डोंट नो, करते होंगे कुछ लोग नहीं करते, 100% ईमानदारी के साथ काम करते हैं वो नहीं करते। अच्छा सर अपनी और नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। आप भी इसी पे मेरा तो नहीं है ना, मतलब फिल्म में काम करने वाला यार मैं लूंगा ना यार फिल्म में, बस ठीक है खत्म बात। ठीक है सर, ठीक है सही है, ओके सर आप सवाल ठीक करना, अब करना। तो सर आप इतने क्यूट क्यों हैं? क्यूट क्यों है? सवाल एकदम चेंज कर दिया है। अपनी एहतियात के लिए पूछ रहा हूँ, नैब के लिए नहीं पूछ रहा, एफबीआर के लिए नहीं पूछ रहा, इमरान खान साहब के लिए नहीं पूछ रहा, मगर कितना पैसा कमा लेते ऊपर वाले? नहीं, ऊपर वाले ने जितना दिया उतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जिंदगी खुशी से गुजारी, खुशी से गुजारी। हाँ, पैसा हो ना हो जमा नहीं, तो मतलब इतना तो सर कमा लेते हैं ना एक्टर के, मतलब वो भरम दे सके लोगों को, यार अल्लाह का शुक्र है। ऊपर वाले का जिक्र करना कर सके। यस, जो लोग मशहूर होना चाहते हैं, सब लोग मशहूर होना चाहते हैं, आजकल हो भी रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कंटेंट बना के मशहूर हो रहे हैं, कुछ लोग गाजर मूली खा के मशहूर हो रहे हैं, मतलब आपको सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, कुछ जो फेमस होना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उनको आप? फेमस होने के लिए बुरा रास्ता भी इख्तियार किया जाए, रास्ता फिल्म भी बना सकते हैं। हाँ रास्ता फिल्म, हाँ मेरा मतलब है सही रास्ता चुनना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। हाँ। और जिससे आपको कल को पछेमानी ना हो। तो फिर ऐसा सर काम बचाई गया फिर? क्यों नहीं है, ये क्या बात? हकीम बन जाता हूँ सर? नहीं ऐसा नहीं, बहुत काम है। इतनी बड़ी मुश्किल रेसिपी दे दी मशहूर, छोड़ मैं नहीं हो रहा मशहूर यार। हाँ अच्छा ये बताएं कि आप फेम को कैरी करते हैं, आप जैसे यहाँ आपने कोई शोर शराबा नहीं किया, रियाज को भी आपने समझाया हुआ तू भी भरम मत दिया कर मेरे नाम के, मेरी बैकिंग भी मत चल, मुझ जैसे छोटे अदर काम करने वाले के लिए भी आप प्यार से बात की आपने, तो कैसे कैरी करते हैं और ट्रिक क्या है इसको? मतलब वो लोग जो है ना उनका दिमाग शंट हो जाता है मशहूर होने के बाद। yes. आप बहुत काम रहते हैं, कैरी किया आपने, क्यों? ये पुराने जमाने के अदाकार कर लेते थे, आप नहीं कर पाते, क्या है? शोहरत और पैसा मिलना आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। चोरी चकारी भी उतनी है। यस लोग अच्छा कभी डकैती पड़ी आपके घर में? अब चोर आए उन्होंने देखो अरे जावेद सर अब तो बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं? नहीं मेरे ख्याल में अगर चोर डाकू ऐसा आएगा जावेद शेख वो तुम हो, आए ये ले यार मैं पिछले घर से लेके आया हूँ। तुम्हारा फैन था मैं। इंशाल्लाह। कभी मोबाइल चोरी हुआ है कराची में सर? नहीं। अमीर लोगों का कहाँ होता है, हम जैसे गरीबों का ही होता है। अच्छा सर जब ऊपर वाला आपके साथ हो तो ऐसा। सर मुझे ऊपर वाले ना अब शक सा हो रहा है कि पिंडी से ताल्लुक ऊपर वाले का, मगर इतना कॉन्फिडेंस पिंडी के ताल्लुकातों से बनता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से GHQ करीब भी है। अच्छा अब सर क्योंकि आप अदाकार हैं, मैं भी एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ, एक खातून है शाजिया, बहुत खतरनाक खातून है। अच्छा बहुत खतरनाक, तो मैं चलता हूँ, मेरे अंदर रहती है, रुक जाए। अच्छा। मेरे अंदर रहती है सर, किराए पे मैंने उनको दिया हुआ है अपनी बॉडी। उनके आप कमरे में आ गए हैं, इतने डेस्परेट है उनको प्रपोज करने के लिए सर, आप उनको प्रपोज कर रहे हैं, शाजिया के नखरे नहीं बैठ रहे। तो अब शाजिया बैठी चाय के सिप्स ले रही छोटे छोटे। हाँ। रहती कस्बा कॉलोनी में मगर है फेमिनिस्ट, रहती कब्जा कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी में मगर है फेमिनिस्ट। अच्छा। वो आज के जमाने की। ओके ठीक है, तो उसको आप प्रपोज करते हैं। हाँ। रियाज रियाज हेलो यस, आप बहुत प्यारी है, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। आप सेक्सी भी हैं। That you don't know. That's what she said. So? काम क्या है, कैश लाए हो? तुम्हें कैश की क्या जरूरत है, सारा बैंक ही तुम्हारा, मेरे नाम पे जितने अकाउंट है सब तुम्हारे नाम कर दूंगा, एक दफा हाँ कर दो। इन बातों में तुम बिल्कुल टाइम जाया नहीं करती हूँ। अच्छा हाँ तो फिर चले नहीं, चले नहीं इधर ही नहीं, निकाह करना है तो मैं भी मस्जिद जाने का ही कह रही थी। जो जी नहीं, तुम्हारी गुफ्तगू मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम मेरे स्टाइल से मुझे जज कर रहे हो। हाँ मगर फिर भी देखो ना, मेरा मतलब है एक शरीफ लड़की की तरह आंखें झुकाओ, जब मैं तुम्हें अगर प्रपोज कर रहा हूँ तुम कहो कि आए मुझे बड़ी शर्म, इस तरह करो। मैं 2020 की मॉडर्न औरत हूँ जावेद, मैं ऊपर से आती, ऊपर से मुझे कोई प्रपोज करता है मैं जान ले लेती हूँ। कभी तो कोने से आ जाओ, ऊपर से एक दफा छोड़ दो। सर प्रॉब्ली ये वो वाहिद एपिसोड थी जिसमें मैं बहुत घबराया हुआ, एक तो आपका चेहरा देख के मेरी सारी घबराहट खत्म हो गई, इतना नूरानी पुरनूर चेहरा। ये ऊपर वाले का जिक्र कर करके सर बहुत मजा आया, आपने मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील कराया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, तालियां होनी चाहिए।